स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रंका इंग्लिश पे। आज हम लोग सिंपल सेंटेंस नहीं सीखेंगे, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे। इंग्लिश ग्रामर में जो नाउन होता है उसको आज हम लोग जानेंगे, कैसे हम लोग नाउन को यूज में ला सकते हैं। तो नाउन यानी नाउन को हिंदी में हम लोग संज्ञा कहते हैं। नाउन की डिफिनेशन अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अ नाउन इज अ वर्ड, ठीक है, दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक है, यहाँ तक आप डिफिनेशन हो गया। इट सर्व्स एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। नाउन कैन बी कैटेगराइज इन टू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर यूजेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ से यहाँ तक डिफिनेशन काफ़ी है, अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, प्लेस, थिंग, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। हिंदी में जो लिखना चाहते हैं इस प्रकार से लिखेंगे, संज्ञा एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार का नाम बताता है। यह वाक्य में विषय या वस्तु के रूप में कार्य करता है। संज्ञा को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि टाइप्स ऑफ नाउन। अब हम लोग जानते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं विथ एग्जाम्पल्स, ठीक, उनके एग्जाम्पल्स के साथ उन्हें हम लोग जानेंगे। जैसे कि फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्ति वाचक संज्ञा या व्यक्तिगत संज्ञा ऐसे बोल सकते हैं। तो डिफिनेशन है प्रॉपर नाउन का, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन नेम्स स्पेसिफिक इंडिविजुअल, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। इसकी एग्जांपल को समझिए, इंग्लिश में इस प्रकार से है, जॉन, पेरिस, गूगल, किसी प्रकार के नाम, जगह के नाम, ऑर्गेनाइजेशन के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं, या किसी के नाम को भी, हिंदी में राम, दिल्ली, गूगल। अब इसकी हिंदी की परिभाषा यह है, व्यक्तिगत संज्ञा एक विशिष्ट व्यक्ति, स्थान या संगठन का नाम है। इसे हमेशा बड़े अक्षर से लिखा जाता है, शुरू का लेटर, ठीक है, इस प्रकार से। और नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ये सेकेंड है उसका डिफिनेशन, सॉरी, नाउन का सेकेंड भेद है काइंड्स ऑफ नाउन के। जाति वाचक संज्ञा ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, जाति वाचक, जाति नामक या जाति वाचक लगाकर आप इस प्रकार से ऐसे बोले तो बेहतर होगा, उचित होगा, जाति वाचक संज्ञा, संज्ञा सही है। डिफिनेशन, अ कॉमन नाउन रिफर्स टू अ जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग, इट इज नॉट कैपिटलाइज्ड। ये कैपिटल लेटर में लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि सिटी बॉय कार, शहर लड़का गाड़ी, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में ये, हिंदी में ये, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, इसको आप लोग जातिवाचक कहना। जैसा मैंने बताया, संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का सामान्य नाम है, इसे बड़े अक्षर से नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट, ज़रूरी नहीं है कि बड़े अक्षर से ही लिखा जाए, यहाँ पे ये कहना भी गलत होगा, ठीक है, हम लोग बड़े अक्षर से भी लिख सकते हैं अगर फर्स्ट में लिख रहे हैं कोई लेटर, तो जैसे बॉय ऐसे लिख रहे हैं तो बड़े अक्षर से तो लिखेंगे ही बॉय ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स आइडिया, क्वालिटी, स्टेट, अव्यक्त वाचक संज्ञा ऐसे बोल सकते हैं। दैट कैन नॉट बी परसीव्ड विद द फाइव सेंसेस, फॉर एग्जाम्पल लव, हैप्पीनेस, ब्रेवरी, प्रेम, खुशी, बहादुरी, अव्यक्त वाचक संज्ञा, ठीक है, विचार, गुण या अवस्था को दर्शाती है जिसे पांच इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, मतलब जो देखा नहीं जा सकता उस चीज़ को बारे में, उस चीज़ के बारे में बात हो रही है, जैसे विचार, गुण, ठीक है। ये शहर, गाड़ी, घोड़ा, इस प्रकार से नहीं कि आप देख सकते, ये महसूस करने की चीज़ें हैं। तो ये इस कहने का अर्थ है कि भाववाचक संज्ञा को ऐसे कहा जा रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग भाववाचक संज्ञा ऐसे कह सकते हैं, भाववाचक। और नेक्स्ट है हमारा कॉन्क्रीट नाउन, वस्तुत्व संज्ञा। डिफिनेशन है, कॉन्क्रीट नाउन रिफर्स टू समथिंग दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड थ्रू द सेंसेस, इट हैज ए फिजिकल प्रेजेंस, एप्पल, डॉग, हाउस, सेब, कुत्ता, घर, इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ऐसी वस्तुत्व संज्ञा ऐसी वस्तु को दर्शाती है जिसे इंद्रियों से अनुभव किया जा सकता है, जिसका इसका भौतिक रूप होता है। कलेक्टिव नाउन,
संगठित संज्ञा डिफिनेशन अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और कंसाइडर्ड एज ए सिंगल यूनिट, जैसे टीम फ्लॉक बंच, टीम झुंड गुच्छा। ठीक है, संगठित संज्ञा एक ऐसा शब्द है जो व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह को एक एक रूप में दर्शाता है, एक एक रूप में दर्शाता है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसकी समरी के अनुसार इसको समझते हैं। समरी, प्रॉपर नाउन व्यक्तिगत संज्ञा, स्पेसिफिक नेम्स आर जॉन, राम। ठीक है, कॉमन नाउन हम लोग कह सकते हैं जाति वाचक संज्ञा को। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग कहेंगे भाववाचक संज्ञा को, आइडिया क्वालिटी इटीसी। कंक्रीट नाउन वस्तुत्ववाचक, ठीक है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, एप्पल से इस प्रकार से। ठीक है, कलेक्टिव नाउन ग्रुप्स ऑफ टीम, जैसे टीम ग्रुप इस प्रकार से अगर बोला जाए तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो रंका इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस, एंड जय हिंद जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में जाकर।